आजकल सीरीज के इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड जेंडर एज एम इफ मेल देन डिस्प्ले एज मेल इफ एफ देन डिस्प्ले एज फीमेल। जैसे कि आप अभी हमारे रिकॉर्ड में देख रहे हैं यहाँ पर जेंडर क्या है एम एन एफ है, तो हम कह रहे हैं जहाँ पर एम हो वहाँ पर अपने को मेल लिख कर रहा है, जहाँ पर एफ है वहाँ पर फीमेल लिख कर रहा है विद फर्स्ट नेम। इसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड जेंडर एज मेल एंड फीमेल। ओके, तो चीज़ को कैसे अचीव करेंगे इस वीडियो हम जाने पर। यहाँ पर देखिए एम लिखा है, इस एम को अपने को मेल दिखाना और एफ को एज ए फीमेल दिखाना। कुछ अगर ऐसा अपना के कोई हो सीनियर, तो उसको कैसे हम अचीव करेंगे इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो इसके लिए सिंपली हम यूज करेंगे सेलेक्ट और हमारा पहला नेम एज ए रहेगा फर्स्ट नेम, तो सिंपली यहाँ पर दे देंगे इसको एज ए फर्स्ट नेम दे देंगे। देन यहाँ पर हम यूज कर लेंगे एक होता है ऑपरेटर केस, और यहाँ पर लिखेंगे वैन जेंडर इक्वल और सिंगल कोट में पास कर देंगे एम। तो जहाँ पर एम है वहाँ पर अपने को क्या करना है एज ए डिस्प्ले कराना है मेल, तो यहाँ पर हम सिंपली पास कर देंगे मेल। ओके, सिंगल कोट में इसको भी पास कर देंगे। देन अगर हम क्या लिखेंगे, अगर ये फीमेल है व्हेन जेंडर इक्वल और सिंपल जेंडर इक्वल लिखेंगे एफ। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, देन हम यहाँ पर लिख देंगे फीमेल, अपने को डिस्प्ले कराना है फीमेल, फीमेल लिख देना है। ओके, इसको सिंगल कोट में रखेंगे, जैसे ही हमारा केस एंड हो जाएगा तो यहाँ पर इसको हम एंड कर देंगे। ओके, डेट्स इट। और अपने को किस टेबल से लिखना है तो हम लिखेंगे फ्रॉम, और हमारा टेबल क्या है एम्प्लॉय डिटेल है, इसको हम क्वेरी ऐसे फॉर्म करेंगे। मीनिंग को क्या होगा, जैसे आप जावा प्रोग्राम देखेंगे इफ कंडीशन है, कुछ ऐसा ही वहाँ पर भी है, उसी इफ कंडीशन वाला स्विच वाला जो केस होता है सेम ऐसा ही है। यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट फर्स्ट नेम लिखा, देन केस हमने लिखा इफ, मतलब व्हेन जेंडर इक्वल टू एम है तो वहाँ पर अपने को डिस्प्ले करना है एज ए मेल, व्हेन जेंडर इक्वल टू एफ है तो वहाँ पर अपने को डिस्प्ले करना है मेल, यहाँ पर हमने एंड कर दिया पर्टिकुलर केस को। ओके, और फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। हमने कहा कि फर्स्ट नेम डिस्प्ले कराना है और विद जेंडर, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये हमारा आ गया मेल एंड फीमेल। लेकिन यहाँ पर जो कॉलम नेम आ रहा है कुछ इस तरीके से, अपने को कॉलम नेम जाना है, यहाँ पर क्या काम करेंगे एलियाज पास कर देंगे। तो एलियाज कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पर एंड जहाँ पर लिखा है यहाँ पर एंड पास आएंगे और यहाँ पर सिंपली एज कर देंगे और सिंगल कोट में पास कर देंगे एज ए जेंडर। तो यहाँ पर ये जेंडर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर ये आ रहा है तो ऐसे नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर आ गया मेल फीमेल इस तरीके। तो कभी भी हमारा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर बेसिस पे अपने को करेक्टर को चेंज करना है, मीन्स वैल्यू को चेंज करना है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंट वैल्यू को दिखा सकते हो बाई यूजिंग केस वैन को यूज करके हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम इसको पर्टिकुलर सिनेरियो को हम यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम में भी।